डे वन पे स्पॉन होता हूँ मैं एज बेबी शार्क एकदम जाइगेंटिक बड़े वाले ओशन में। और यार गाइज मैं कितना ज्यादा छोटा हूँ और मेरे पास सिर्फ 3 हार्ट है, इससे तो मेरे को कोई भी आके खा लेगा यार। इसलिए सबसे पहले तो मुझे मेरी फैमिली ढूंढनी पड़ेगी जितना जल्दी हो सके और उनके पास रहना पड़ेगा। तो मैं चला जाता हूँ मेरी फैमिली को ढूंढने के लिए। बस मैं इतना प्रेयर कर रहा था कि बीच में मुझे कोई ओर्का ना मिले, क्योंकि गाइज आप लोगों को पता होगा कि शार्क लोगों को ओर्का खा लेती है। और एक तो मैं बच्चा हूँ और इतने 3 ही हार्ट है मेरे पास। बट मेरी मॉम को ढूंढते ढूंढते मेरे को एक चीज दिखती है, एक स्ट्रक्चर था और यहाँ पे एक चेस्ट था। तो मैं चला जाता हूँ चेस्ट को लूटने के लिए। ज्यादा कुछ खास तो नहीं, बट यहाँ पे मेरे को थोड़े से वेपन मिले, लाइक सारी चीजें मैंने उठा ली। ज्यादा कुछ खास नहीं था इसमें, बट जो भी मिला मैंने उठा लिया। अब मेरे पास काफी सारे टूल्स भी आ चुके हैं नॉर्मल वाले। तो मैं फिर से चला जाता हूँ मेरी मॉम को ढूंढने के लिए। और थोड़े टाइम के बाद ही मेरी मॉम मिल गई थी मुझको। फिर हम दोनों ने बहुत ज्यादा बातें की, इतनी बातें की कि मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे, भूख लगी थी मुझे। तो मैं चला गया थोड़ा सा डिनर करने यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे मछलियां मिली तो मैं इनको मार रहा था। अभी मैं बेबी हूँ स्टिल, मैं इसको शिकार करना सीखना है। तो मैं चला जाता हूँ मछलियां मारने, और काफी सारे यहाँ पे मैंने खाना कलेक्ट कर लिया और मैं आगे जा रहा था। बट यहाँ से जाते वक्त मुझे कुछ अजीब फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था मुझे कोई देख रहा है, मेरा कोई पीछा कर रहा है। तभी वहां से पीछे से एक ओर्का आती है और भाई वो स्ट्रेट मेरी तरफ ही आ रही थी और मैं डर गया था। और आते ही मेरे को खाने की ट्राई करती है, मैं यहाँ से बचने की ट्राई करता हूँ। मेरे पास सिर्फ 3 हार्ट थे तो ये मेरे को इजीली मार के खा सकती है। और भाई साहब मैं छोटा बच्चा हूँ तो मैं इससे भागने की ट्राई करता हूँ, लड़ तो नहीं सकता। और गाइस अरे मेरे पीछे ही पड़ती है, बट मैं छोटा था और तेज दौड़ता था तो मैं भाई तैर तैर के मैं आगे आ गया। और यहाँ आके भाई मैं 1 हार्ट पे बच गया, लिटरली अगर एक और हिट करती ना तो मैं मर ही जाता। बट यार उससे भागते भागते मैं काफी ज्यादा दूर आ गया। अब मैं मेरी फैमिली से बिछड़ चुका हूँ, लाइक पता नहीं मैं कौन से साइड से आया था, अब मैं कौन से साइड जा रहा हूँ। बट फिर भी मेरे को मेरी फैमिली को ढूंढना पड़ेगा जल्दी और जाना पड़ेगा। बट वो ओर्का की वजह से अब मैं रास्ता भूल चुका हूँ। बट आगे जाने के बाद मेरे को एक शिपरेक मिलती है, मेरे को लगा इसके अंदर कुछ खाना वाना मिलेगा। तो मैं चला जाता हूँ इसके अंदर चेस्ट देखने के लिए। आगे चेस्ट मिला तो यहाँ पे चेस्ट के अंदर मेरे को कुछ बॉटल्स मिले 3, और एक सॉर्ड मिली जो कि मेरे को काम आएगी अब। तो सॉर्ड भी हमारे पास आ चुकी है जिसके अंदर ग्लैंडेड कटनेस कुछ तो था, और एक इसके अंदर मेरे को मैप मिल गया ट्रेजर का, और बाकी बुक्स थे ये सब कुछ लेके मैं बाहर जा रहा था और ये मैप को मैं चेक कर रहा था। तभी यहाँ पे मेरे को कुछ आवाज आई और एक पायरेट आता है। यस गाइस यहीं पे ये छुपे बैठा था और ये पायरेट मुझे बोलता है मेरी बूट को लूटना छोड़ दो। मैं उसको बोलता मैंने बोट लूटी नहीं, कोई और लूट के गया, बट ये मेरे पे भरोसा नहीं करता और बोलता है तुमने बोट ली अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसके हाथ में गन भी थी, अगर ये एक भी गोली मेरे को लग जाती तो ये सीधा मुझको मार देता। तो मेरे को अब यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मेरे को मार देगा तो मेरे यहीं पे 100 डेज खत्म हो जाएगा। तभी फिर मैं इससे थोड़ा बहुत लड़ने की ट्राई करता हूँ, बट ये गोलियाँ चलाने लगता है तो मेरे को यहाँ से अनफॉर्चुनेटली भागना पड़ता है। और फिर वहाँ से मैं आ गया आगे, भाई साहब यहाँ पे भी मैं मरते मरते बच गया। देखो गाइस अगर फैमिली से दूर रहूंगा तो ऐसे ही बहुत ज्यादा खतरे आएंगे मुझ पे। फिलहाल पायरेट से तो बच गया था, बट अब मुझे बनाने थे बेसिक वाले टूल लाइक पिकैक्स एक्स ये सब कुछ। तो मैं ढूंढ रहा था यहाँ पे लकड़ियाँ वकड़ियाँ, बट पेड़ के अंदर मतलब पानी के अंदर तो पेड़ नहीं मिलने वाले। तो मैं जमीन के तरफ आता हूँ और यहाँ पे मुझको पेड़ दिखते आगे। तो मैं सीधा जमीन के अंदर से मतलब बाहर आता हूँ जमीन पे, और यहाँ पे लकड़ियाँ तोड़ना शुरू कर देता हूँ। लाइक मैं थोड़ा टाइम पानी के बाहर रुक सकता हूँ, फिर मैं मरूंगा नहीं, बट ज्यादा टाइम रहूंगा तो फिर मैं मरने लग जाऊंगा। तो मैंने लकड़ियाँ कलेक्ट किए, पानी के अंदर आके मैंने क्राफ्टिंग टेबल बना ली और फिर सारे मैंने बेसिक टूल्स बना लिए। सबसे पहले तो मैंने एक वुडन की पिकैक्स बना ली और चला गया पत्थर ढूंढने के लिए। यहाँ पे माइनिंग वाइनिंग तो नहीं मिलेगी तो मेरे को कोई भी रैंडम स्पॉट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे कोबलस्टोन दिखेंगे। तो मेरे को एक जगह मिल गई जहाँ पे कोबलस्टोन थे, तो मैं चला गया वहाँ से कोबलस्टोन कलेक्ट करने, और काफी सारे कोबलस्टोन कलेक्ट कर लिए। मैंने इतने कलेक्ट कर लिए थे कि मैं सारे टूल्स बना पाऊँ, तो सारे को मैंने यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे मेरे को आगे आयरन भी मिला, बट फिलहाल मैं वुडन की पिकैक्स नहीं ले सकता, इसको तो मेरे को रुकना पड़ेगा इसलिए। तो सबसे पहले मैंने आयरन को छोड़ा और चला गया मैं थोड़े से और क्राफ्टिंग करने टूल्स। तो मैंने यहाँ पे आया, सबसे पहले मैंने पिकैक्स बना ली आके, फिर उसके बाद मैंने शावल बना लिया और एक एक्स बना ली, और फाइनली गाइजर एक सॉर्ड बना ली क्योंकि ये सबसे ज्यादा काम आएगी मुझको। और ये सब कुछ बनाने के बाद सबसे पहले मैं चला गया उसी माइनिंग के अंदर, और पहले तो पिकैक्स को फेंक दिया ये वाली क्योंकि घटिया पिकैक्स है। और उसके बाद सबसे पहले मैं चला गया माइनिंग करने आयरन, यहीं पे आयरन था जहां से मैंने कोबलस्टोन ले लिया तो मैं लकी था। तो सारा आयरन लेने के बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मैं तो मेरी मॉम से बहुत ज्यादा दूर, इसलिए मेरे को कुछ सेफ्टी ढूंढना पड़ेगा, खुद का बेस बनाना पड़ेगा। और मेरे पास काफी सारा मटेरियल भी कलेक्ट कर लिया, मैंने पेड़ भी कलेक्ट कर लिए, तो एक अच्छी सी यहाँ पे मेरे को जगह भी मिल गई। तो मैं काम करना शुरू कर देता हूँ मेरे घर के ऊपर। यस गाइस ज्यादा तो फैंसी वैंसी तो नहीं बनाऊंगा, बट जितना मटेरियल है मेरे पास उनको यूज करके मेरे को बनाना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे मैं इसके ऊपर काम करना शुरू कर देता हूँ, और यहाँ पे काफी अच्छा सा मैंने घर बना लिया। ज्यादा फैंसी तो नहीं, मॉडर्न तो नहीं, बट ओके ओके सा घर है। आप लोगों को पसंद आया नहीं कमेंट के अंदर बता दो, ये रहा हमारा घर। अब मैं आज से यहीं पे रहूंगा, रोज यहीं पे रहूंगा, बट स्टिल यार मुझे मेरी फैमिली को तो ढूंढना पड़ेगा। और फिर जब मेरी फैमिली मिलेगी उनको भी मैं मेरे ही घर लाऊंगा। तो मैं चला जाता हूँ फिर से मेरी फैमिली को ढूंढने के लिए, क्योंकि यार उनकी मुझे बहुत ज्यादा याद आ रही थी। और मैं ऐसे यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं घूम सकता, मेरे सिर्फ 3 हार्ट है। अभी अगर 2 ओर्का आ जाएंगी और तो मेरे को आराम से मार देगी। तो मैं थोड़ी देर के बाद ढूंढते ढूंढते आगे आ जाता हूँ एक ठंडी वाली बायोम के अंदर, ये थी आयुष बायोम। यहाँ पे आने के बाद मेरे को आगे थोड़ी सी आवाज आती है और पानी में मतलब बहुत
बहुत ज्यादा हलचल हो रही थी। तो मैं भी आगे देखता हूँ तो क्या वहाँ पे मुझे एक सील दिखती है, लाइक सील थी और एक बड़ी वाली शार्क थी। तो मुझे पता चल गया था कि ये शार्क है ना सील के ऊपर अटैक करे, तो मैं चला जाता हूँ सील को बचाने के लिए और फिर शार्क पे अटैक करते करते हुए मारना शुरू कर देता हूँ। ये शार्क बहुत ज्यादा मतलब नूब थी, ज्यादा पावरफुल तो नहीं थी, मेरे से ज्यादा कमजोर थी, तो मैं इसके ऊपर अटैक करना कंटिन्यू रखता हूँ। जो शॉर्ट मुझे वो शिप के अंदर मिली थी वो वाली मैं यूज कर रहा था और उसके साथ मैंने मार दिया था शार्क को और मैंने सील को बचा लिया। मैं सील के पास जाता हूँ और उससे थोड़ी बातें करता हूँ, तो सील बोलता है उसकी फैमिली को किसी ने किडनैप किया है, तो अब वो अकेला है यहाँ पे और उसके ऊपर कोई भी सील मतलब कोई भी शार्क आके अटैक कर रहा है। तो मैं उसे बोलता हूँ तुम मेरे साथ रह सकते हो, मैंने नया नया घर बनाया है तो तुम मेरे साथ मेरे नए घर में रह सकते हो और वहाँ पे मेरे पास खाना सिक्योरिटी सब कुछ है। तो मेरा और ये सील आज से हम लोग बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं, तो मैं उसको मेरे वाले घर के अंदर इन्वाइट करता हूँ और घर पर आने के बाद उसके लिए एक स्पेशल वाला घर बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि यार उसके लिए भी एक अच्छा सा घर बनाना चाहिए ना, तो उसके लिए घर बनाना कंप्लीट कर देता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो नॉर्मल वाला घर बना दिया और वो भी हमारे हेल्प कर रहा था, और यहाँ पे मैंने थोड़े से डेकोरेशन ऐड कर दिया और लाइटिंग भी ऐड कर दी। और फिर उसको मैं पूछता हूँ तुमको घर कैसा लगा, और इसका फेस देख के पता ही चल रहा था कि उसको ये वाला घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। इतने सारे दो दो घर बना के यार मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और मेरे फ्रेंड को भी थोड़ी बहुत भूख लगी थी, तो मैं चला जाता हूँ खाने का इंतजाम करने। और थोड़ा आगे आने के बाद मछलियाँ तो नहीं मेरा खाने का मन कर रहा था, बट यहाँ पे मेरे को थोड़े से क्रैब दिख जाते, तो मैं चला जाता हूँ क्रैब के पास और उनको एक एक करके कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। और फिर थोड़े टाइम के बाद ही मेरे पास काफ़ी सारे क्रैब आ चुके थे और मेरा पेट भी पूरा भर चुका है। और फिर खाना खा के मैं चला गया मेरी मॉम को फिर से ढूंढने के लिए, और गाइस यार गेस करो थोड़े टाइम के बाद ही मेरी मॉम मिल गई थी मुझे। और यहाँ पर आने के बाद यार हमने फिर से बहुत सारी बातें की, पिछली वाली मेमोरीज हमको बहुत ज़्यादा याद आई, हम दोनों बहुत दिन तक बहुत दूर थे। और तभी एक मॉन्स्टर वहाँ से आ रहा था पास में हमारे, उसके हाथ में मतलब एक हथियार भी था, और तभी वो मेरी मॉम के ऊपर बिजलियाँ कड़काने लगता है, बिजलियों से अटैक करता है, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा था, और थोड़े टाइम के बाद ही मेरी मॉम को मार देता है। ये सब मैं वहीं से देख रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, तो मैं चला जाता था उस पे ऊपर अटैक करने, बट वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और मैं इससे बड़ा भी था, तो मेरे से ना मर नहीं रहा था, बट स्टिल मैं उस पर अटैक कर रहा था और कंटिन्यू अटैक करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तेज था, फिर भी वो मेरे पे बिजलियाँ कड़का रहा था और मैं ऑलमोस्ट मरने आ गया था, हाफ हार्ट पे बच गया था मैं, तो मेरे को वहाँ से भागना पड़ा और मैं काफ़ी ज़्यादा तेज आके भाग के यहाँ आ जाता हूँ यार, बट उसने उस मॉन्स्टर ने मेरी मॉम को मार दिया। तो आप लोग कमेंट के अंदर एफ लिख देना, पर हमें अब उस मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा और हमारा बदला लेना पड़ेगा, उसके लिए हमको ताकतवर होना पड़ेगा, क्योंकि बट अभी तो हम लोग बच्चे हैं, अभी हम लोग मार नहीं सकते, बट फ्यूचर में मैं और भी ज़्यादा ताकतवर होऊंगा, पावरफुल होऊंगा और हम हमारा बदला जरूर लेंगे। बट तब तक आप लोग जाओ कमेंट के अंदर एफ जरूर लिख दो। बट आगे आने के बाद मुझे एक बड़ी सी शिप दिखती है और ये पायरेट वाली शिप थी, तो मैं ना छुपके से यहाँ पे अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे चेस्ट भी था, तो चेस्ट के अंदर मैं देख रहा था कुछ खाना वाना मिल जाए, और यहाँ पे कुछ बॉटल भी थी, बट मेरे को दो दो सुशी मिल गई। पता नहीं यार ये सुशी मतलब ज़्यादा टेस्टी होती है नहीं गेम के अंदर, बट तभी वहाँ से एक पिलेजर आता है और मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो बोलता है चुराना बंद करो यहाँ से, नहीं तो गोली मार दूंगा, और उसके हाथ के अंदर एक गन भी थी और ये सीधा शूट कर देता है मेरे पे, तो मैं सीधा पानी के अंदर कूद जाता हूँ और वहाँ से बच के भाग गया। भाई बच गया इस बार भी, नहीं तो अगर वो मेरे को शूट कर देता वो सीधा मेरे को मार देता। बट गाइस यार अब हमारी फैमिली नहीं बची हमारे साथ, तो बट कुछ भी करके मुझको उस मॉन्स्टर को मारना है, तो बड़े होकर मारेंगे। तभी मेरे को जो सुशी मिली थी वो खाता हूँ और गाइस मेरे हार्ट इतने बड़े हो गए और तभी मेरे बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होके मैं सीधा बड़ा हो जाता हूँ, लाइक पता नहीं कैसे, बट यार यहाँ पे मेरा साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था। अब हम लोग अडल्ट हो चुके और हार्ट भी हमारे पास अब ज़्यादा आ चुके हैं, इसका मतलब ये है कि हम अब बच्चे नहीं रहे, हम है ना अब अडल्ट हो चुके हैं और हमारा हार्ट भी हमारे पास अब ज़्यादा आ चुके हैं, तो अब कोई शार्क वर्क तो मेरे को टच भी नहीं कर सकता, मैं उसको आराम से मार दूंगा। बट ये सब कुछ बताने के लिए मैं मेरे फ्रेंड के घर के अंदर जाता हूँ, क्योंकि यार मुझको पूरा का पूरा एडवेंचर उसको बताना था कि मेरे को कैसे पैरेट ने अटैक किया था, कैसे मेरे को एक बड़ा वाला एक मतलब मॉन्स्टर ने हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ये सब कुछ मेरे को मेरे फ्रेंड को बताना था। तो मैं सीधा घर पे आता हूँ और फिर घर पे आने के बाद हमारे फ्रेंड के अंदर जाके उसको सारी चीज़ें बताता हूँ। वो भी बोलता है यार सैड हुआ, मतलब हम लोग जरूर बदला लेंगे, दोनों मिलके बदला लेंगे, बट फिलहाल तो हमको ताकतवर होना पड़ेगा बदला लेने के लिए, अभी तो हम लोग थोड़े बड़े हो चुके हैं, बट इतना काफ़ी नहीं होगा, मैंने उससे लड़ाई की थी तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था वो वाला मॉन्स्टर, तो मेरे को अभी ताकतवर होने के लिए और भी टाइम है, बट उससे पहले मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए, उसके लिए मेरे को आर्मर चाहिए, तो मैं सीधा चला जाता हूँ माइनिंग करने। बट यहाँ पर तो माइन वाइन कुछ नहीं मिलती, तो मेरे को रैंडम जगह पर ढूंढना पड़ेगा आयरन वायरन। तो यहाँ पे अंदर आ गया, यहाँ पे मेरे को कोल मिल गया, सारा कुछ कोल कलेक्ट कर लिया, और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे अंदर जाने के बाद मेरे को आयरन भी दिख रहा था आगे, तो चला गया आयरन कलेक्ट करने और यहाँ से आयरन भी मैंने कलेक्ट कर लिया। अब मैंने यहाँ से थोड़ी बहुत माइनिंग कर ली थी, जो भी मैंने सामान लाया उसको मैं घर पे आया, तीन चार फर्नेस बना लिए मैंने और सारे चीज़ों को मैंने पकाने के लिए रख दिया। अब ये जैसे पक जाएंगे मैं इसको लेके आर्मर बनाऊंगा और थोड़ी बहुत हमारे पास प्रोटेक्शन तो आएगी ना, तो मैं जल्दी जाता हूँ क्राफ्टिंग टेबल के पास और यहाँ पे मैं क्राफ्टिंग करना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने चेस्ट प्लेट बना लिया और फिर
उसके बाद मैंने एक पैंट बना ली, एक एक करके मैंने हेलमेट भी बना लिया और फिर बूट बना के मेरा पूरा का पूरा सेट रेडी हो चुका है। अब हमारे पास थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन भी आ चुके है तो हम लोग अब किसी से भी डरने नहीं वाले। और मैं एक अच्छा शार्क हूँ तो मैं किसी को भी ना मारूंगा वारूंगा ना ये पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो मैं चला जाता हूँ आगे पूरे ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए, और जाते के बाद मेरे को दूर से कोई चीज दिख रही है जो कि भागते भागते हुए आ रही थी, और ये था एक सी हॉर्स। यार इसकी शक्ल देख के मेरे को लग ही रहा था ये बहुत ज्यादा डरा हुआ है। तो मैं इससे बात करता हूँ तो ये बताता है इसकी फैमिली को किसी ड्राउन किंग ने ना किडनैप करके रखा है। तो मैं बोलता हूँ कहाँ पे मुझे ले जाओ उस ड्राउन किंग के पास, और फिर ना ये मेरे को बताता है वो यहीं पे पास में है, एक स्ट्रेट जगह पे है। तो वो मैं उसका फॉलो करता हूँ और फिर वो ड्राउन किंग के पास हम दोनों चले जाते हैं। सब ओशन को पता है कि मैं अच्छी वाली शार्क हूँ तो सारे लोग मेरे पास आके हेल्प मांग रहे थे, तो मैं भी इनकी हेल्प करूंगा जरूर। और आगे आने के बाद देखता हूँ तो कि यहाँ पे वो तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, और वहाँ पे बीच में जेल के अंदर एक सी हॉर्स भी कैद था और आगे इन सब का किंग भी था। बट सबसे पहले मैं जैसे आया यहाँ पे सारी की सारी आर्मी मुझ पर अटैक कर देती है, और गजर इनकी संख्या कुछ ज़्यादा ही थी, बट जो सॉर्ड मुझको मिली थी उसकी बहुत ज़्यादा काम आ रही थी, और मेरे पास अब आयरन का आर्मर भी है। तो यार ये लोग मेरे को ज़्यादा डैमेज नहीं कर पा रहे थे, तो मैं एक एक करके उनको मारता हूँ, और जैसे हेल्थ कम हो रही थी मैं खाना भी खा रहा था, तो यार मेरे पास अब एडवांटेज भी था। और फिर एक एक करके मारने के बाद सारी की सारी आर्मी खत्म हो चुकी थी, पर अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी ड्राउन किंग बाकी है। उसको मारने के बाद ही हम लोग वो सी हॉर्स को बचा पाएंगे। तो ड्राउन किंग सीधा मेरे पास देखता और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि मैंने उसकी पूरी फैमिली को लाइक पूरी की पूरी इसकी आर्मी थी तो उसकी पूरी आर्मी को मार दिया था। तो ऐसे करके हम दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, उसके पास एक ट्राइडेंट भी था और उसके कितने सारे पैर थे गाइस, बहुत ज़्यादा पैर थे और हर्ट्स भी काफ़ी थे उसके पास। बट यार हम लोग भी अब बच्चे नहीं रहे, हम भी अब ग्रो हो चुके हैं और मेरे पास अब फाइटिंग के स्किल्स भी आ चुके हैं। तो अब इनको मैं लड़ना स्टार्ट कर देता हूँ और ऐसे स्टार्ट रख रख के इसको मैं मारना शुरू कर देता हूँ। और थोड़े टाइम के बाद ये मारते मारते के बाद ये मेरे पे ऊपर ट्राइडेंट फेंक के मारा था, तभी मैंने इसको पूरा मार दिया और इसका ट्राइडेंट ऊपर हवा में चला गया था। तो मैं चला गया और ट्राइडेंट ले लिया, और ट्राइडेंट के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे एंचेंटमेंट्स लगे हुए थे। पता नहीं कौन सी भाषा के अंदर ये लिखे हुए थे बट सारी की सारी एंचेंटमेंट अच्छी लग रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ का जेल तोड़ दिया और सारे सीहॉर्स उसको मैंने बचा लिया और इसकी फैमिली को बचा लिया मैंने। ये सीधा दौड़ दौड़ के आता है मेरे पास और थैंक यू बोलता है बचाने के लिए, और बोलता है अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं इससे हेल्प ले सकता हूँ। मैं भी उसे बोलता हूँ अभी तो फिलहाल हेल्प नहीं चाहिए मुझे, और फिर मैं चला जाता हूँ आगे। और आगे आने के बाद मेरे को वहाँ पे बोर्ड दिखती है, और फिर वहाँ पे बोर्ड के अंदर बहुत सारे वूल भी लगे हुए थे, और वूल तो गाइस मुझको चाहिए थे तो मैंने यहाँ से थोड़े से वूल कलेक्ट कर लिए। जिसकी भी बोट है उसके लिए सॉरी, बट यहाँ से मेरे को वूल चाहिए थे तो मैंने थोड़े बहुत वूल लेके सीधा जंप कर दिया ओशन में। यहाँ पे ना मैं घर पे आ गया फिर से, और घर पे आने के बाद यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो बेड बना लिया, और गाइस मैं बहुत ज़्यादा थक गया था फाइटिंग वाइटिंग करके, और फिर यहाँ पे आके फाइनली बहुत ज़्यादा गहरी वाली मैं नींद सो गया। और नींद में सोते सोते मेरे को गहरा सपना आया, और सपने के अंदर मैं कैसल के अंदर आ गया था। देखने से तो बहुत ज़्यादा खतरनाक ये कैसल लग रहा था, बट मुझको अंदर जाके देखना था कि क्या है अंदर। और जाके देखता हूँ तो क्या ये वही आदमी था जिसने मेरी मॉम को मारा था, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है पता नहीं। और ये आने के बाद मुझे बोलता है तुम वही शार्क होना जिसको जिसकी मॉम को मैंने मारा। मैं बोलता हूँ हाँ मैं वही हूँ, बट अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा। तो ये मुझको पूरा प्लान बताता है इसका कि ये कैसे ये पूरी दुनिया पर कब्जा करने वाला है, और ये भी बताता है कि ये मेरी मॉम ने मैम को मार दिया इसने, और तभी मेरे पे अटैक करता और मेरा सपना टूट जाता है। और गाइस यार ये बहुत ज़्यादा खतरनाक सपना था, और मैं डर गया था ये सपना देख के। बट उठने के बाद सबसे पहले मैं चला जाता हूँ हमारे दोस्त के पास, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझको उसको बतानी थी। तो मैं सीधा उसके घर के अंदर जाता हूँ और उसको बुला के बताता हूँ कि वो उसको मतलब वो जो भी मॉब है उसका बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला प्लान है पूरी दुनिया पर कब्जा करने का, और हमको बदला भी लेना है तो हमको कुछ भी करके उसको जल्दी से जल्दी मारना पड़ेगा, हराना पड़ेगा। पर अब हम लोग इतने भी ताकतवर नहीं है कि हम जाके सीधा उस बॉस मॉब को मार पाए, तो हमको और ज़्यादा ताकतवर करना पड़ेगा खुद को, और ज़्यादा मतलब फिर तो मैं हमारे दोस्त के पास और उसको बोलता हूँ कि मुझको ताकतवर बनाना है, आपको कुछ पता है क्या। वो मुझको बोलता है उसका एक दोस्त है जो कि निंजा विंजा करता है, लाइक कराटे वराटे आता है उसको, तो मेरे को बताता है और फिर बोलता है उसके पास जाओ। मैं सीधा चला जाता हूँ उसके पास, और फिर वो मेरे को पता भी दिया था वो एक निंजा टर्टल है, और वो मेरे को सारी की सारी चीज़ें मतलब ट्रेनिंग लेगा, मेरी सारी चीज़ें कर देगा। और फिर मैं चला जाता हूँ उस वाले पते के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा दूर था वो टर्टल रहता था, बट कुछ भी करके मुझको जाना है और वहाँ से उसके पास से जाके ट्रेनिंग करके आनी है। तो यार मेरे को बहुत ज़्यादा तैरना पड़ता है, लाइक 2-4 दिन लगे मुझके उसके घर पे जाने के लिए। तभी यहाँ पे एक क्रैब मिलता है मुझको, यहाँ पे आता हूँ और फिर क्रैब से पूछता हूँ यहाँ पे पास में कोई निंजा टर्टल रहता है क्या, तो वो मुझको सीधा सीधा पता बोल देता है कि हाँ वहाँ पे सामने जाओ और लेफ्ट में मुड़ जाओ, वहाँ पे एक निंजा टर्टल मिल जाएगा और वहाँ पे जाके तुम तुम्हारा काम कर सकते हो। तो मैं उसको थैंक यू बोलता और कुछ खाने के लिए भी देता, उसको मारता भी नहीं क्योंकि यार वो डरा था, उसको लगा था मैं मारने आ रहा हूँ। बट थोड़े टाइम के बाद मैं यहाँ पे घर में आ जाता हूँ, और लगता है मेरे को यही घर था जिसको जिसके बारे में हमारा दोस्त बात कर रहा था। यहाँ पे आने के बाद मैं दरवाजे की घंटी बजाता हूँ, और थोड़े टाइम के बाद वहाँ से एक कोई तो चीज आती है बाहर, और यही था वो निंजा टर्टल। और फिर मैं उसको बोलता हूँ मुझे है ना तुम्हारे दोस्त सील ने भेजा है, और है ना उसने बोला है तुम मुझको ताकतवर बनाओगे और
और फिर है ना हम लोग है ना वो वाली ड्राउनेड किंग को मार पाएंगे और पूरे वर्ल्ड को बचा पाएंगे। ये बोलता है ठीक है मैं तुम है ना सील के दोस्त हो तो मैं तुम्हारी ट्रेनिंग लूंगा जरूर और तुमको ताकतवर बनाऊंगा जरूर। तो फिर ना इसके बाद है ना हमारी थोड़ी बहुत बातें हो जाती है और फिर ये मंजूर हो जाता है ना ट्रेनिंग करने के लिए। तो अगले दिन से होने वाली थी मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट, तो हम दोनों सीधे चले जाते हैं ट्रेनिंग के माहौल में। वहाँ पे एक जगह पे ये खतरनाक वाली ट्रेनिंग लेगा मेरी, उसके अंदर होने वाले तीन चैलेंज। तो पहले चैलेंज के अंदर यहाँ पे स्टार्ट होता है, पहले चैलेंज के अंदर ये मेरे ऊपर चीज़ें फेंक फेंक के मारेगा और मुझे उससे बचना है। तो मेरे ऊपर ट्राइडेंट मार रहा था और फिर मैं उस ट्राइडेंट से बहुत ज़्यादा आसानी से बच रहा था क्योंकि यार पानी के अंदर मैं बहुत ज़्यादा स्पीड हूँ। और ऐसे करके पहला वाला चैलेंज मैंने कंप्लीट कर लिया और पहले वाले चैलेंज के अंदर हम लोग जीत गए थे। बढ़ावा होने वाला है चैलेंज नंबर टू, और चैलेंज नंबर टू यहाँ पे शुरू होने वाला था थोड़े टाइम के अंदर। और चैलेंज टू के अंदर मेरे को हवा के अंदर जंप करनी पड़ती है, और गाइस ये थोड़ा सा हार्ड था मेरे लिए क्योंकि मैं पानी के बाहर ज़्यादा दिन रहा नहीं, बट कुछ भी करके मेरे को ये पार करना है, ट्रेनिंग को पार करना है। तो मैं प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पे ऊपर आ जाता हूँ और फिर मैंने पहले गोली के अंदर से उड़ी मार दी और फिर दूसरे के अंदर से मैंने भी सीधा जंप किया और उसको पार कर दिया। ऐसे करके ये वाला पार को और भी मैंने पार कर दिया और फाइनली गाइस सेकंड चैलेंज भी मैंने कंप्लीट कर दिया। और फाइनल बचा है थर्ड चैलेंज, और ये वाला सबसे ज़्यादा खतरनाक चैलेंज है क्योंकि अब सीधा मेरे को इस टर्टल के साथ लड़ना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, अभी मैं लड़ नहीं सकता, तो वो बोलता है मैं इसको पता है तुम ताकतवर हो, तो सीधा है ना अब 1v1 फाइट होने वाली है हम दोनों में। तो सीधा यहाँ पे हम लोग घर के पास आ जाते हैं और पानी में से हम दोनों और यहाँ पे लड़ाई सीधा स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे को लग रहा था ये मायर को मार देगा, बट है ना मैं फुल कॉन्फिडेंट था और गाइस यार मैं हम लोग इस पर लड़ाई स्टार्ट कर लेते हैं। ये भी मेरे को मार रहा था, ये बहुत ज़्यादा तेज था, इसको सारे कराटे वराटे सारे निंजा की चीज़ें पता थी, बट फिर भी यार मैं इसके ऊपर कंटिन्यूस अटैक करना शुरू रख देता हूँ। मेरे को कुछ भी करके इसको हराना है। इसको हराने के बाद चैलेंज नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है मेरा, और गाइस यार ये वाली ट्रेनिंग हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और गाइस यार ये मेरे सामने कुछ मंत्र वंत्र पढ़ता है और थोड़े टाइम के बाद ही मैं बड़ा सा शार्क बन जाता हूँ। और गाइस यार मैं पहले से ज़्यादा खतरनाक हो चुका हूँ और अब हमारे हार्ट भी डबल हो चुके हैं, लाइक पहले से सीधा डबल वाला साइज हो चुका हूँ मैं। और यार मैं इस टर्टल को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता हूँ कि ना इसने मेरी ट्रेनिंग ली और मुझको बड़ा वाला भी बनाया, अब हम लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। और यार सबसे पहले तो मेरे को जाके है ना हमारे घर पे हमारे दोस्त को थैंक यू बोलना पड़ेगा क्योंकि उसी की वजह से हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो पाई और हम लोग इतने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। तो ये सारा कुछ होने के बाद मैं घर पे निकलने वाला ही था और रास्ते में मेरे को वही वाला वो बॉस मॉब दिखता है और वो एक मरमर से बात कर रहा था, और वो उन दोनों की मैं बातें सुनने के लिए कोने में जाता हूँ और वहाँ पर छिप जाता हूँ। और छिपने के बाद वहाँ से मैं इनकी बातें सुन रहा था कि ये कैसे करके मतलब दोनों मिलकर पूरे वर्ल्ड पर कब्जा करने वाले हैं और वे पूरे वर्ल्ड को नष्ट करने वाले हैं। तो मैं ये बातें सुन ही रहा था, ये मरमेड भी थी यहाँ पे और वो वाला बॉस मॉब भी था जिसने मेरे मॉम को मारा था। और फिर इन लोगों की कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है और फिर वो वाला बॉस मॉब यहाँ से चला जाता है। ये बॉस मॉब चले जाने के बाद मैं सीधा वो मरमेड के पास जाता हूँ और बोलता हूँ तुम दोनों का प्लान क्या है मुझको बताओ, अगर नहीं बताओगी तो मैं तुमको मार दूंगा और तुम्हारा प्लान तो मैं कभी भी ना पूरा कंप्लीट नहीं होने दूंगा। तो ये मरमेड बोलती है ये इसका प्लान कभी नहीं बताएगी मुझे और उसके प्लान में जो जो लोग आएंगे उन सबको ये मार देगी। और जैसे ये बोलने के बाद ये होने के बाद ये मुझको अटैक करना शुरू कर देती है और पता नहीं ये कैसे कैसे बबल फेंक फेंक के मार रही थी और उससे बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो रहा था, बट उन मैं बबल से बच बच रहा था। वो ट्रेनिंग जो ली थी मैंने उससे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था, लाइक उसके बबल से मैं बच रहा था और उसके अटैक से मैं बच रहा था और मैं स्पीड भी हो चुका हूँ पहले से। तो ऐसे करके मैं उसके ऊपर अटैक करना कंटिन्यू रखता हूँ। ये मरमेड भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी, बट नहीं मेरे जितना ताकतवर नहीं थी गाइस। और फिर फाइनली मैंने इस मरमेड को भी मार ही दिया और फिर उसको मार के बाद मेरे ऊपर एक सामने आती है स्वॉर्ड। फिर वो स्वॉर्ड लेने के बाद मैं देखता हूँ ये वाली एक्वेरियम कुछ स्वॉर्ड थी और फिर वो स्वॉर्ड से मैं बबल फेंक फेंक के मार रहा था। ओह गाइस अब मेरे पास भी वो वाली बबल फेंकनी पावर आ चुकी है, तो अब हमारे पास एक और एबिलिटी आ चुकी है। बट गाइस ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू उस टर्टल को, क्योंकि यार उस टर्टल की वजह से हम लोग इतने ज़्यादा बड़े हो गए हैं और ट्रेनिंग से भी यार इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। तो मैं घर पे जा ही रहा था तभी मेरे ऊपर एक कांटा आता और मेरे को है ना एक फिशरमैन मेरे को ऊपर खींच लेता है। और फिर मैं जैसे ऊपर आता ये मेरे से डर डर के यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ भागता है, इसको लगता है शार्क आया भागो भागो। मैं उसको बोलता मैं अच्छा शार्क हूँ मैं तुमको मारूंगा नहीं। फिर ये मुझको बोलता है कि यार मेरे को यहाँ पे फिशिंग करना पड़ रहा है, मैं सुबह से हूँ मुझे कोई शिप मतलब फिश विश कुछ नहीं मिली, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ ये सब ऐसा वैसा बोलता है। मैं उसको बोलता अगर तुम सुबह से भूखे हो तो रुको 2 मिनट में तुमको है ना हेल्प करूँगा और तुम्हारे थोड़ा बहुत खाना वाना लाऊंगा। इसके साथ थोड़ी बहुत बातें करने के बाद मैं चला जाता हूँ थोड़ा सा खाना वाना लेने के लिए और फिर यहाँ से नीचे जाता हूँ पानी के अंदर। उसको तो फिश विश नहीं मिल रही थी, बट मैं पानी के अंदर जाके आराम से फिश कलेक्ट कर रहा था। यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे मैंने फिशेज कलेक्ट कर ली और सीधा उसे ऊपर जाके उस फिशरमैन के पास जाके उसको मैंने सारे फिशेज दे दी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था फिशरमैन और खुश होकर उसने मेरे को एक मैप भी दिया। यस गाइस और ये मैप में अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेजर भी है। ओ सारा का सारा मैंने मैप ले लिया और उसको थैंक यू बोल दिया और मैंने बोल दिया जितना भी खाना ले लिया है तुमने सारा का सारा खाना खा लो। और फिर उसको बाय बोल के यहाँ से मैं चला जाता हूँ। इसने मेरे
को मैप भी दिया है, उस मैप के अंदर ट्रेजर मिलेगा। बट वो हम लोग बाद में उस ट्रेजर मैप को ढूंढेंगे। और फिर उससे पहले मैं आ गया था घर पे। घर पे आने के बाद यार मैं इतना बड़ा हो गया था कि मैं घर के अंदर मैं गेट के अंदर से बहुत ज़्यादा मुश्किल से अंदर जा पा रहा था, तो मेरे को सारा का सारा चीज़ खोलना पड़ा, फिर से मैं अंदर जा पा रहा था। बट यहाँ पे आने के बाद शील लोगों को मैं बोलता हूँ, शील को, कि देख सकते हो तुम्हारे दोस्त टर्टल ने मुझको ट्रेनिंग दी और मैं ताकतवर हो चुका हूँ। बट शील बोलता है कि यार वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अकेला अकेला महसूस कर रहा है, तुम जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया था। तो मैं उसको बोलता हूँ तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए फ्रेंड्स लाऊंगा। तो मैं डॉल्फिन को जाता हूँ और बोलता हूँ तुम तुम्हारे फ्रेंड को जाओ और बुलाओ हमारे बेस पर रहने के लिए। और फिर और लोगों के पास जाता हूँ और उनको भी मैं मेरे बेस के ऊपर इन्वाइट करता हूँ। और फिर थोड़ा आगे के जाने के बाद मैं आइस बाय में आता हूँ और यहाँ पे पेंगुइन्स थे। पेंगुइन्स को बोलता हूँ मैं तुम हमारे बेस में रह सकते हो आके, मैं तुम्हें वहाँ पे सिक्योरिटी दूंगा, मैं वहाँ पे तुमको खाने के लिए दूंगा और भी चीज़ें जो जो चाहिए तुमको मैं सारी चीज़ें दूंगा। तो इस पेंगुइन भी मान जाते हैं हमारे बेस पे रहने के लिए। फिर मैं जाता हूँ टर्टल भाई के पास और टर्टल भाई को भी बोलता हूँ तुम हमारे वहाँ पे आ जाओ, खाना वाना सब कुछ मिलेगा वहाँ पे और दोस्त भी वहाँ पे बहुत सारे। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे मॉब्स को इन्वाइट किया हमारे बेस पे। और गाइस थोड़े टाइम के अंदर आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे मैं बेस पे जैसे ही रिटर्न आया और देख सकते हो गाइस यहाँ पे टर्टल है, डॉल्फिन है और भी बहुत सारी चीज़ें। अब हमारा दोस्त सील अकेला यहाँ पे महसूस नहीं करेगा, उसके लिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को इन्वाइट किया है। और मैं घर पे ऐसे ही चिल कर रहा था, थोड़ा बहुत सोच रहा था, तभी मुझे याद आता है उस मैप के बारे में। तो मैं चला जाता हूँ उस मैप को एक्सप्लोर करने, जहाँ पे खजाना है वहाँ पे जा रहा था। और फिर जाते जाते मेरे को ऐसे मैं चिल कर रहा था, खाना वीना खाते जा ही रहा था, मैं मेरे दोस्त को बोलता हूँ तुम घर पे रुको, मैं जाके थोड़ा सा खजाना विजाना लाता हूँ, लाइक ताकतवर वाले वेपन्स लाके लाता हूँ। और फिर मैं चला गया एक्सप्लोर करने उस मैप को। फिर जाते हुए मेरे को एक स्ट्रक्चर दिखता है, स्ट्रक्चर के पास मैं जा ही रहा था, मतलब स्ट्रक्चर को मैं इतना देख नहीं रहा था, बट उसके साइड से मैं गुजर ही रहा था। और थोड़ा आगे आने के बाद यहाँ पे मैं और भी चीज़ें दिख रही थी, मतलब पूरा ओशन था मेरे सामने। तभी एक पीछे से बड़ा सा मॉन्स्टर आता है और मुझ पर अटैक कर देता है, लाइक बता नहीं यार मैंने तो इसे कुछ किया भी नहीं था, फिर भी ये मार रहा था मुझको। और गाइस यार इसके हाथ के अंदर बड़ी सी फिश रॉड थी, उसकी वजह से ये मेरे को दूर से पकड़ पकड़ के पास में ला रहा था और मार रहा था। और यार ये पता नहीं क्या हो गया था इसको, क्या दिक्कत थी पता नहीं, और इसने मेरा हार्ट भी बहुत ज़्यादा कम कर दिए थे, 4 हार्ट पे छोड़ दिया था। बट इसको मैंने बहुत टाइम करके मार्क मार के फाइनली इसको हरा दिया। और गाइस यार हम लोग अब ताकतवर हो चुके, इसका मतलब यार बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका हम लोग, उस बड़े वाले मॉन्स्टर को भी मैंने हरा दिया है। और फिर उसके बाद मैप को फाइनली फॉलो करते हुए मैं एक जगह पे आ गया था और यहाँ पे मेरे को डायमंड भी मिल गया एक चेस्ट के अंदर। और ये वाली जगह पे बहुत ज़्यादा ही चेस्ट थे, तो मैं सारे चेस्ट ढूंढ रहा था ऐसे वैसे, ज़्यादा कुछ खास तो लूट नहीं थी। बट वहाँ पे यार मेरे को एक जगह पे जाने के बाद एक मेन चीज़ दिखता है, लाइक वहाँ पे चेस्ट के साइड साइड में यहाँ वहाँ पे पत्थर वत्थर थे, अलग ही था, ऐसा लग रहा था ये कोई चेस्ट स्पेशल है। तो मैं उसके पास में जाता और उसको ना लूटने की ट्राई करता हूँ। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा था तो मेरे को ब्लॉक तोड़ने पड़े, और अंदर जाने के बाद क्या मिलती है पता है, मुझको बजूका मिल जाती है। यस गाइस, और बजूका के बहुत सारे गोलियां भी। मैं यहाँ पे आता हूँ बजूका को ट्राई करता हूँ, और गाइस इसको यूज करके मैं एक एक सेकंड में ड्राउनर को मार पा रहा था, लाइक बहुत ज़्यादा खतरनाक वेपन था ये। लाइक वो वाले जो फिशरमैन था उसको हमने मच्छी दिया था और उसने मुझे मैप दिया था, उसको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो मैं कितना अच्छे से मैं किसी को भी मार पा रहा था। तो गाइस यार अब हमारे पास वेपन भी आ चुका है, तो मैं वो वाला खतरनाक वाला वेपन ला के मैं घर पे आ जाता हूँ। और घर पे आने के बाद थोड़ा बहुत बात कर लेता हूँ हमारे सील दोस्त के साथ, और यहाँ पे देखता हूँ तो क्या वो सील दोस्त ही नहीं था। मैं यहाँ वहाँ ढूंढता हूँ, यहाँ वहाँ ढूंढता हूँ, मतलब सारी जगह पे ढूंढता हूँ ओशन में, वो मुझको कहीं पे भी नहीं मिलता। फिर मैं एक जगह पे जाता हूँ और फिर उस टर्टल से पूछता हूँ हमारा सील दोस्त कहाँ पे है। तो वो बोलता है एक बड़ा सा मोब आता है जो कि बॉस मोब था, और उसने हमारे दोस्त सील को है ना किडनैप करके ले गया। मुझको पता लग गया था कि ये वही मोब है जिसने मेरी मोम को मारा था। अब मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, क्योंकि यार वो पहले तो उसने मेरी मोम को मारा और अब उसने मेरे दोस्त को किडनैप कर लिया है। अब मैं कुछ भी करके वो मोब को छोड़ने वाला और अब मैं उसको मार के रहूँगा। और फिर थोड़ा प्लान वैन बना दिया मैंने, घर के अंदर आ गया था, देख सकते हो मैं कितना बड़ा हो चुका हूँ। और फिर मैंने उसके बाद एक पिकैक्स बना ली, क्योंकि अब उस मोब को हराना है तो अब हमको ना थोड़ा बहुत पावरफुल बनना पड़ेगा और ज़्यादा। तो उसके लिए मैं चला जाता हूँ पिकैक्स लेके डायमंड ढूंढने के लिए। और यहाँ पे पानी के केव के अंदर आने के बाद यहाँ पे मेरे को डायमंड मिल गए थे, तो मैंने सारे के सारे डायमंड कलेक्ट कर लिए, इतने डायमंड कलेक्ट किए जिससे मैं आर्मर तो बना पाऊँ। और फिर पूरे के पूरे डायमंड कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे को और मिलने वाले थे, फिर सारे डायमंड कलेक्ट कर लिए और सीधा घर पे आने वाला था मैं। घर पे आ गया था मैं, और घर पे आने के बाद अब मैं सीधा क्राफ्टिंग करने वाला हूँ आर्मर, और आर्मर क्राफ्टिंग करके सीधा जाऊंगा और हमारे दोस्त को बचाऊंगा जरूर। पता नहीं यार वो मोब हमारे दोस्त के साथ क्या कर रहा है, लगता है हमारे दोस्त को मार भी दे सकता है वो, तो मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा और दोस्त को बचाना पड़ेगा। तो पूरा डायमंड का आर्मर मैंने पहन लिया, आर्मर का आर्मर, आयरन का आर्मर मैंने फेंक दिया। अब हमारे पास डायमंड का आर्मर, ताकतवर भी है और हमारे पास ट्रेनिंग भी है उसकी, और ये ट्राइडेंट, ये स्वॉर्ड, और अलग अलग वाली बबल वाली स्वॉर्ड और बजूका भी है। तो अब हम लोग पूरा का पूरा रेडी है उस मॉन्स्टर को हराने के लिए। मैं सीधा जाता हूँ उस मॉन्स्टर को हराने के लिए। पिछली बारी तो वो मुझसे बच गया था, तब मैं बचा था, बट इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। और गाइस यार इस बार तो मुझे उसका घर भी पता है, तो मैं सीधा चला जाता हूँ उसके घर की तरफ। वो थोड़ा सा घर काफ़ी ज़्यादा दूर था, तो
हमें जो तैरते हुए जाने में टाइम लगा, लाइक 2-3 दिन लग गए थे मुझको जाने के लिए, बट फाइनली काफी ज्यादा ट्रैवल करते हुए मेरे को है ना फाइनली आगे कुछ स्ट्रक्चर दिखता है, और यही था जहाँ पे वो बॉस मोब रहता है। ये वाली जगह बहुत ज्यादा खतरनाक थी दिखने में, बट यार इससे मेरे को डरने वरने नहीं वाला मैं। तो आगे आने के बाद वहाँ पे बीच में दिखता है वही वाला बॉस मोब, और यहाँ आने के बाद दिखता हूँ तो क्या वहाँ पे हमारा सील वाला दोस्त भी कैद करके रखा हुआ है। पता नहीं यार वो सील के साथ इसने अभी तक क्या क्या किया, उसको मारा वारा तो नहीं, बट यार ये देख के मुझको बहुत ज्यादा गुस्सा आया था क्योंकि मेरा दोस्त ही तो जेल के अंदर मेरे सामने कैद था। मैं इस मॉन्स्टर को बोलता हूँ उसे छोड़ दो, मैं तुमको छोड़ दूंगा, बट ये मॉन्स्टर मेरी बात एक भी बात नहीं सुनता और बोलता इस पूरी दुनिया पे ये जरूर कब्जा करके रहेगा और ये मुझे भी मार देगा और पूरी दुनिया को भी खत्म कर देगा। ऐसे हम दोनों में बहुत ज्यादा बात होती है, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें कोई फायदा नहीं है, तुम मत मारो दुनिया को, बट तभी ये मेरे सामने बड़ा सा एक क्रैकन स्पॉन करता है और बोलता है लड़ो इससे। और यार ये क्रैकन बहुत ज्यादा बड़ा था और बहुत ज्यादा गंदा वाला डैमेज भी दे रहा था, बट अब मुझको कुछ भी करके इसको हराना है, अगर मैं इसको हराया नहीं तो ये मुझको मार देगा और हमारा यहाँ पे मिशन कंप्लीट हो जाएगा और हमारे दोस्त शील को भी ये लोग मार के क्या पता क्या कर देंगे। बट तभी ये वाला क्रैकन के पास बहुत सारे हाथ थे, लाइक 8-10 हाथ थे, और फिर इसको मैं कंटिन्यूसली मारता हूँ, बजुका से मारता हूँ, और फाइनली ये क्रैकन को मैंने हरा दिया। गाइज बहुत ज़्यादा हार्ड था ये क्रैकन को हराना, बट अभी भी पूरा गेम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी ये बॉस मोब को मारना बाकी है। हाँ तो इसको भी मार देंगे हम लोग, बट ये तभी बोलता है मुझे तुम पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। मैं उसको बताता हूँ हाँ ताकतवर हो चुका और उस पे ऊपर सीधा अटैक कर देता हूँ, और फिर हम दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और वो भी पहले से ज़्यादा काफ़ी ताकतवर हो चुका है। अब तो वो ट्राइडेंट फेंक भी मार रहा था, लाइक ट्राइडेंट फेंक फेंक के मार रहा था और उससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा था। बट मेरे पास भी अब 4-4 अलग अलग वेपन से, लाइक मैं ट्राइडेंट से मार रहा था, कभी मैं मेरी पायरेट वाली शॉर्ट से मार रहा था, कभी मैं बजुका से अटैक कर रहा था, तो कभी वो बबल वाली स्वॉर्ड से, ऐसे करके मैं अलग अलग चीजों से अटैक कर रहा था। और फाइनली गाइस यार बहुत टाइम लड़ाई करने के बाद मैंने इसको हरा दिया है, और गाइस अब पूरा का पूरा वर्ल्ड है ना सेफ है एकदम, अब इस पूरे वर्ल्ड को कोई भी कब्जा नहीं कर सकता, और अब हम लोग हमारे सील दोस्त को भी बचा पाएंगे जाके। तो सबसे पहले जाके उसकी जेल तोड़ता हूँ और उसको बचा लेता हूँ। और गाइस यार आप लोगों को ऐसी वीडियोस और देखनी है तो मेरे चैनल पे 100 डेज के बहुत सारे वीडियोस है और जाके आप लोग देख सकते हो, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और नेक्स्ट 100 डेज क्या चाहिए कमेंट्स में बताओ।